अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपनी जोमान में रखें, अपने अपने घरों में खुश आबाद रहे। तो यहाँ हो गया हमारी सुबह का आगाज़। अच्छा, सुबह का आगाज़ हो गया। अभी हमने नाश्ता आज इसलिए नहीं किया है, गर्मी बहुत हो रही थी और कशान बहुत लेट हो रहे थे तो वो जल्दी में चले गए। बस यहाँ मैं चाय बनाऊँगी और हस्बैंड और मैं जो है चाय पियेंगे। और अभी एक सोदा मंगाया था कशान से, कशान ही सोदा लेके चले गए। अच्छा, ये मैंने मंगाया आलू और ये मंगाए हैं अंडे। आज मैंने कहा चले अंडे आलू बना लेते, लेकिन बच्चे गुस्से हो रहे हैं कि इतनी गर्मी हो रही है और आप जो है ना अंडे बना रहे हैं। मैंने कहा उस समय में भी नहीं आया था क्या मंगाए क्या नहीं। मैंने कहा चले अंडे ले आना, क्योंकि सुबह में कशान देके चले जाते हैं तो वो सही रहता पकाने के लिए। और अभी ये मैंने मंगाया है इसमें ये बाजरा, क्योंकि बाजरा भी ख़त्म हो गया आज। बस ये मैंने थोड़ा सा ही मंगाया था, उस दिन मंगाया था मैंने, वो तो ख़त्म हो गया, दो दिन हो गया बाजरा ख़त्म हो गया। बस मैंने कहा ये लेकर आ जाओ, ये बना लेते। और ये जो मेरा रोज़ का तेल आता है थोड़ा सा, बस ये अभी ये मैं बाल्टी के अंदर डालती हूँ। अभी यहाँ मैं डाल लेती हूँ बाल्टी में तेल, कि रोज़ मंगाती हूँ, कभी ऐसा होता है कि नहीं भी मंगाती, बस थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ होता है ना उसी से फिर गुजारा हो जाता है। अभी मैंने डाल के दिया तेल और अंडे और आलू जो है उबलने के लिए रखती हूँ, फिर चाय बनाते हैं, चाय बना के पियेंगे। और फिर अगर हस्बैंड ने कुछ खाना होगा, बिस्किट वगैरह जो भी, तो वो लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो आयशा गई हुई मदरसे और कशान जो है आज देर हो रही थी, देर से उठे तो वो भी चले गए, क्योंकि रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। परसों आप लोगों के सामने मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरी भी सुबह आँख नहीं खुली और मैंने भी उनको उठाया नहीं। बस मैंने भी नमाज़ पढ़ी फजर की और मैं सो गई सुबह मैंने। और हस्बैंड भी यहाँ आ गए, क्या करना है? आपने अपने लिए कुछ लेकर आओगे नाश्ते के लिए, चाय पियोगे खाली? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को सबको सुबह मुबारक हो। मैं अभी जो है ना, फिर सबसे पहले जो है ना मैं ये बाजरा डालता हूँ मैं परिंदों के लिए। हाँ ये आप डाल दीजिए, मैंने मंगा लिया कशान से, ये ले बाजरा मैं डाल देता हूँ। पानी भी डाल देना, पानी वानी डाल के फिर उनको जो है ना, फिर मैं जाता हूँ, कुछ देखता हूँ, बिस्किट वगैरह अपने लिए जो है ना लेके आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। नहीं नहीं, मैं खाली चाय पीऊंगी, मेरा तो वैसे ही दिल नहीं चाह रहा, आपको बता, रात को भी मैंने इसीलिए खाना नहीं खाया था। पता नहीं दो तीन दिन से तबीयत ठीक नहीं ना, तो इसलिए दिल भी नहीं करता खाने को। मैं ये बाजरा डाल देता हूँ। हाँ बेचारे जो ना आगे जो ना, हाँ वो बैठ रहे हैं, कल दो दिन हो गए, दो दिन में बाजरा खत्म हो जाता, माशाल्लाह खाते है ना सब। अच्छा पानी भी डाल देना फिर उसमें ऊपर, धूप देखो कितनी तेज हो रही है, बस आप ये डाल के जल्दी से लेकर आ जाओ। अच्छा मैंने जो है चाय बना रही थी, तो मेरी कुछ जो है ना एक दोस्त हैं वो आ गई थी, तो फिर हम लोग बैठे रहे। आप लोगों को पता है कि मैं किसी के सामने वीडियो वगैरह तो बना नहीं सकती, तो भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस हस्बैंड जो है अपने लिए बिस्किट तो लेके नहीं आए, वो अपने लिए पापे ले आए थे, उन्होंने थोड़े से पापे खाए, मैंने ये चाय वगैरह अभी हो गए, बर्तन सारे जमा। ये मैंने कहा रात के भी बर्तन थे, मैंने धोए नहीं थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी आजकल। आपको पता है कि कुछ बातें ऐसी हो रही थी, और दो तीन से मेरी भी कुछ तबीयत ऐसी चल रही थी, बस गोली खा लेती हूँ, दिन में कुछ उठ जाती हूँ, बस यही चल रहा था। तो ये मैंने अभी सारे बर्तन यहाँ जमा कर लिए हैं, ये बर्तन धोती हूँ फिर उसके। ये यहाँ मैंने अंडे जो है छील लिए, ये थोड़ा सा अंडा जो है ख़राब हो गया, पता नहीं ज़्यादा उबल गया क्या हुआ। और बाकी अंडे ये छवि मैंने दोपहर में सालन बनाया, ये शाम तक के लिए हो जाएगा। और ये अभी मैं इनको जो है मसाला फ्राई करके और फिर डालूँगी अंडे और ये आलू। और ये देखिए जी हमारा हो गया सालन तैयार, कितना अच्छा लग रहा है शक्ल से देखने में भी। बस अभी जो है मैं रोटी डालती हूँ, गर्मी तो बहुत हो रही है, बस दिल नहीं चाह रहा, मैंने कहा रोटी जो है बाज़ार से मंगा लेंगे या तो, लेकिन अब देखें हस्बैंड अगर कहेंगे तो फिर घर में ही डालती हूँ रोटी। ये यहाँ आ गया है बिल बिजली का। अच्छा इन्होंने देखें मुझे दो दिन से जो है ना बताया भी नहीं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था दो दिन से कि बिल आ गया? मैं आपसे पूछ रही थी बार बार, मैंने बताया तबीयत वैसी सही नहीं थी, मैंने बोला ये और नई टेंशन है, बिल भी अभी बहुत ज़्यादा आ गया। मैं आपसे पूछ नहीं रही थी कि इतने दिन हो गए, इतनी तारीख हो गई, अभी तक बिल नहीं आया, तो आपने कहा हाँ आ जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बिल तो आ गया। आया हुआ था लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया था, बिल आया ही ज्यादा है। अच्छा इतनी एहतियात करते हैं फिर भी देखो इतना बिल आ गया, हालांकि फ्रिज ही चलता है बस एक, और एक पंखा चलता है ये कमरे का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता, टीवी वैसी नहीं है, हमारा है ही नहीं वैसे, इतने साल हो गए जो है वो हम करा दे सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए, जो कपड़े चेंज करते हैं उसमें प्रेस करवाते हैं बस खाली, बाकी तो जो है ना ऐसे ही जो है ना निकाल के गीले बदन पे जो है ना हम कपड़े पहन लेते हैं, इस तरीके करवाते ही नहीं है, एहतियात इतनी करते हैं, उसके बावजूद भी बिल इतना आया है। आपके महीने हो गया ही, हालांकि मैं फ्रिज बस गर्मी की वजह से जो है ना आपके मैंने फ्रिज थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए चलाया कि पानी ठंडा नहीं हो रहा था, गर्मी जो इतनी पड़ रही है, और इसी महीने जो है ना ये पिछले महीने भी थोड़ा था लेकिन अब के महीने तो जो है ना बहुत आ गया। पिछले महीने ये है कि जो है ना थोड़ा सा कम आया था, तो अब के जो है ना उससे ज्यादा, अभी इतने से हमने बोला एहतियात करेंगे, एहतियात भी करिए तो उससे ज्यादा आ गया। फिर एहतियात क्या, बस रात में सिर्फ मगरिब से पहले जो मैं कमरे का सेवर जलाती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं बंद कर देती हूँ सारी लाइटें, दो ही तो सेवर है बाहर, एक तुम्हारे को पता है मैं सारी रात में
छत पे जो है ना लेटा रहता हूँ, उसी पे जो है ना उधर ही सो जाता हूँ। ये गर्मी होती है, लाइट होती नहीं है, लाइट ना होने पे इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं, और जब लाइट होगी तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि अभी गैस का बिल जो है ना पिछले महीने का भी नहीं भरा था गैस का बिल, और अब तो ये है कि एक महीने बिल नहीं भरो तो फौरन बिजली भी काटने के लिए आ जाते हैं। गैस का बिल भी पिछले महीने नहीं भरा था ना, इस महीने डबल आया, वो भी अभी तक हमने पैसे नहीं दिए थे। ये भी बहुत है हकीकत है, मैं तो खुद इसीलिए और मुझे और परेशानी हो रही है कि अब क्या होगा। खुदा ना हास्ता अगर इस महीने बिल नहीं भरा तो बिजली काट के चले आएंगे फौरन आ जाते। हाँ ये तो है, लेकिन वो ये ना कि भरेंगे कैसे क्या करेंगे, अभी देखें देखते हैं क्या करते हैं। तो ये आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये जो है ना बिल आया हुआ है इतने दिन से। अच्छा यहाँ मैंने जो है नमाज़ पढ़ ली है, और अभी लाइट तो बहुत ही लंबी चली गई। एक तो लाइट वालों को ही पता नहीं जितनी गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा लाइटें जो है ना ले रहे हैं। अच्छा सुबह मेरी जो दोस्तें आई थी वो आई थी कुरान खानी को बुलावा देने के लिए, तो अभी आयशा और मैं दोनों वहाँ जा रहे हैं कुरान खानी में। अब मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, और घर में कोई भी नहीं है, ना भाई है ना पापा है, तो मम्मा को दवाई भी कौन दिला कर लाएगा, और पेनाडोल भी घर पे नहीं रखी हुई क्योंकि जब मम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी तो मम्मा ने पेनाडोल खा ली थी। मैं कब से मम्मा का सर दबा रही हूँ, लेकिन मम्मा के सर में दर्द सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। जब से हम कुरान खानी में से आए जब से ही मम्मा के बहुत सर में दर्द हो रहा, और मम्मा का ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मम्मा की अब बहुत तबीयत ख़राब है। अब भाई और पापा आएंगे तो फिर मम्मा को दवाई दिलाने लाएंगे। पेनाडोल की गोली भी नहीं रखी हुई, जो मम्मा को मैं पेनाडोल की गोली दूँ। वैसे मैं कब से मम्मा का सर दबा रही हूँ, लेकिन मम्मा के सर का दर्द सही नहीं हो रहा। मैं नीचे जा रही हूँ, मैं पापा को बुलाने जा रही हूँ, अगर पापा मिल गए तो, वरना तो मैं किसी से गोली मंगाऊंगी। यहाँ का शहर में मम्मा को दवाई दिला के लिए आए, और क्या नाम है, मम्मा ने आज खाना नहीं खाया, दवाई मैंने मम्मा को दे दी थी, मम्मा ने आज खाना नहीं खाया क्योंकि मम्मा ने बनाए थे अंडे आलू, तो मम्मा अंडे आलू नहीं खा रही थी, तो अभी मम्मा दवाई खा के सो गई हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग का करना था मुझे एंड, तो मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी कज़न है, और ये भी मेरी कज़न है, और ये भी मेरी कज़न है, और ये मेरी कज़न की बेटी है, और ये मेरे भाई है, ये सब मेरी कज़न आई हुई, और इधर मस्ती हो रही है।